हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी डॉट कॉम में आप सबका स्वागत है। आज हम 12th एग्रीकल्चर का जो अगला रोग है, जो खरीफ की फसल से संबंधित रोग है, वो पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग। मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग, इसे इंग्लिश में पीनट क्लम्प वायरस डिजीज कहते हैं। मूंगफली को पीनट भी कहते हैं। मूंगफली का एक और नाम है इंग्लिश में ग्राउंड नट, लेकिन मूंगफली को पीनट भी कहते हैं, ध्यान रखना। जो मूंगफली का जो विषाणु गुच्छा रोग है, देखो नाम से ही यहाँ जाहिर है, यह विषाणु जनित रोग है। यह रोग किससे होने वाला है? विषाणु से होता है, विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात, यह जो रोग है, यह भारत के अधिकांश हिस्से जहाँ मूंगफली का उत्पादन होता है, वहाँ लगभग सभी हिस्सों में यह होता है। इस रोग की खास बात यह है कि यह रोग उस क्षेत्र में बहुत अधिक ज़्यादा प्रभावी है। इसका प्रकोप उस क्षेत्र में ज़्यादा होता है जहाँ रेतीली भूमि हो। कैसी भूमि हो? रेतीली भूमि हो। रेतीली भूमि में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। रेतीली भूमि जैसे गुजरात, राजस्थान, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है? भारत में गुजरात और राजस्थान, ये ऐसा है जो रेतीली रेगिस्तानी क्षेत्र में आता है। यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली होती है। तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ भूमि कैसी हो, रेतीली हो, वहाँ इस रोग का अधिक प्रकोप होता है, बहुत अधिक प्रकोप इसका होता है। नेक्स्ट, अगर इसकी बात करें, इस रोग के रोग जनक, इसका जो पैथोजन है वो क्या है? तो आप जितने भी वायरस जनित रोग होते हैं, विषाणु जनित जो रोग होते हैं, उनका केवल रोग का आप नाम अच्छी तरीके से याद करें, इसके वायरस का नाम याद करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ये रोग है पीनट क्लम्प वायरस डिजीज, ठीक है? जो जो जिस मैन तो इसका नाम पीनट क्लम्प डिजीज है, और जब इसके आगे अगर आप वायरस लगा दो तो बस वो ही उस वायरस का नाम हो जाएगा। इसका जो वायरस है उसका नाम है इंडियन पीनट क्लम्प वायरस। देखो कितना आसान नाम है, पीनट क्लम्प रोग का नाम है ही, भारत में ये मुख्य है, तो इंडियन पीनट क्लम्प, आगे केवल वायरस लगाना है। इस वायरस का नाम क्या है? इंडियन पीनट क्लम्प वायरस, ठीक है? आप शॉर्ट में कहें तो इंडियन पीनट क्लम्प वायरस, IPCV इस वायरस का नाम है, ठीक है? यह जो वायरस है यह है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए युक्त होता है। इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब केवल एक स्ट्रैंड वाला डीएनए होता है। डीएनए मोस्टली कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, यानी कि डीएनए में दो न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है मोस्टली। लेकिन यह जो डीएनए है, इसका जो डीएनए है, इस वायरस का, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस का जो डीएनए है, वो केवल एक न्यूक्लियोटाइड की चेन का बना है। और ऐसे डीएनए को ही हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कहते हैं, ठीक है? यह जो डीएनए है यह है नेक्ट डीएनए भी होता है। नेक्ट डीएनए यानी कि इसका जो डीएनए होता है, यह नेक्ट, सॉरी डीएनए नहीं, नेक्ट वायरस होता है। वायरस यानी कि इसका जो वायरस होता है, वो वायरस वास्तव में केवल प्रोटीन का खोल, इस तरह प्रोटीन, और उसके अंदर उसका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर एक और इस आवरण होता है, ऐसे वायरसेस को कहते हैं, ऐसे वायरसेस जिनके ऊपर एनवलप पाया जाता है, वो एनवलप्ड वायरस होते हैं। जैसे यह यहाँ मैंने एक और एक कवर बना दिया, ऐसे वायरस होते हैं एनवलप्ड, एनवलप्ड वायरस होते हैं। जबकि अगर यह जो एनवलप अगर नहीं होता है, केवल उसका प्रोटीन का कोट, कैप्सिड जिसे कहते हैं, और उसका खुद का कोई डीएनए या आरएनए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, ऐसे वायरसेस को कहते हैं नेक्ड वायरस या नॉन एनवलप्ड वायरस, नॉन एनवेलप्ड वायरस कहते हैं, ठीक है? तो
तो ये जो इंडियन पीनट क्लम्प वायरस है, यह वायरस नेग्ड वायरस होता है। इस पर किसी तरह का कोई एनवलप नहीं पाया जाता है, आवरण नहीं पाया जाता है। ये जो वायरस है एक वाहक के द्वारा मूंगफली में फैलता है। उस वाहक का नाम आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है पोलीमिक्सा ग्रैमिनिस, पोलीमिक्सा ग्रैमिनिस, पोलीमिक्सा ग्रैमिनिस वाहक का नाम है, ठीक है। क्योंकि वायरस जो होता है वो वास्तव में जब वातावरण में होता है तो निर्जीव की तरह होता है। वायरस को हम सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वायरस जो है वो वातावरण में निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही वो किसी सजीव तंत्र में पहुंचता है तब वो सजीव की तरह व्यवहार दर्शाता है, ठीक है। उस कोशिका पर नियंत्रण कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे में वायरस जो है स्वयं गति नहीं कर सकता, स्वयं इन्फेक्ट नहीं कर सकता किसी भी पादप को, जंतु को। उसके लिए उसे कोई ना कोई वाहक की आवश्यकता होती है, और इस वायरस का जो वाहक है वो है पोलीमिक्सा ग्रैमिनिस। पोलीमिक्सा ग्रैमिनिस एक कवक है। क्या है? एक कवक है, ठीक है। तो ये जो रोगजनक है उसका नाम इंडियन पीनट क्लम्प वायरस है, और ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए युक्त होता है और नेक्ड वायरस होता है, और इसका जो वाहक है वो है पोलीमिक्सा ग्रैमिनिस। पोलीमिक्सा ग्रैमिनिस याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। पोलीमिक्सा ग्रैमिनिस एक कवक है जो इसका मुख्य वाहक है, जो इस रोग को फैलाता है मूंगफली में। नेक्स्ट, अब इसकी बात करते हैं हम इसके लक्षणों की। इसके जो लक्षण हैं किस तरह नज़र आते हैं वो देखते हैं। तो ये जो रोग है, क्लम्प डिजीज जो है, पीनट क्लम्प डिजीज, यह खेत में जो है वो गुच्छों में, ऐसे पैचेज में नजर आती है, यानी कि पूरे खेत में नहीं होती, जैसे कुछ हिस्सों में होगी, कुछ जगह नहीं, फिर कुछ हिस्सों में, इस तरह पैचेज में पाई जाती है। इस रोग के लक्षण लगभग 30 से 35 दिन बाद दिखने शुरू होते हैं। पहली खास बात, इस रोग के लक्षण 30 से 35 दिन बाद नजर आने प्रारंभ होते हैं, यानी कि जैसे ही आपने बुआई की उस बुआई से आप गिनती करें 30 से 35 दिन बाद में इस रोग के लक्षण आना प्रारंभ होते हैं। इसके जो लक्षण हैं वो पैचेज में दिखाई देते हैं, समूह में दिखाई देते हैं, गुच्छों में दिखाई देते हैं, आप ये कह सकते हैं गुच्छों में नजर आते हैं, यानी कि खेत के कुछ हिस्सों में है, कुछ जगह नहीं है, फिर कुछ हिस्सों में है, कुछ जगह नहीं है। इसके जो लक्षण हैं उनमें, लक्षणों में कैसे आप पहचानोगे कि वो पौधा जो है वो इस रोग से ग्रसित है? तो इसकी खास बात यह है कि जिस पौधे में ये हो गया, जिस मूंगफली के पौधे में ये रोग है, तो वह पौधा पहली बात तो बौना रह जाता है। कैसा? बौना रह जाता है, ठीक है, और गहरे हरे रंग का होता है। ये इसकी पहचान का बहुत बढ़िया तरीका है, गहरे हरे रंग का जो पौधा होगा वो हमें पहली बात तो बौना होगा, बहुत छोटा होगा, और पौधों की तुलना में बहुत छोटा होगा। और इसका जो रंग है सामान्यतः हरा होता है मूंगफली की पत्तियों का, लेकिन इसका रंग बहुत ज़्यादा गहरा हरा होगा। कैसा होगा? बहुत अधिक गहरा हरा होगा, और वो जो पौधा है वो मुरझाया हुआ सा, सिकुड़ा हुआ सा नजर आएगा। कैसा? मुरझाया हुआ सा नजर आएगा, मुरझाया हुआ, ठीक है। जब पौधों में इसके लक्षण प्रकट होने वाले हैं, जो नई नई जो पत्तियां निकल रही है, जो तरुण पत्तियां होती है उस पर भी इसके लक्षण नजर आते हैं। जब पत्तियों में पत्तियां आनी शुरू हुई है उन तरुण पत्तियों पर पीले रंग की वलय नजर आती है, यानी कि जैसे ये मूंगफली का अगर पत्ता है, ठीक है, जब नया नया पत्ता बाहर निकला ही है तो इसमें आपको इस तरह रिंग्स नजर आएगी जगह जगह, और इस रंग कैसा होगा? पीला होगा। कैसा होगा? पीला होगा। तो ये इसकी पहचान के बहुत अच्छे तरीके हैं।
आप अगर पौधों को गहरे हरे रंग के देखो और उनमें जो नई नई पत्तियां आ रही है, उन पत्तियों पर अगर आप पीले रंग की वलय देखते हो, रिंग नजर आती है, तो समझ लो कि वह जो पौधा है वो क्लम्प वायरस डिजीज से ग्रसित है। उसका जो साइज होगी वो भी बहुत छोटी होगी, बौने होंगे, ठीक है। यह खेत में पैचेज में नजर आएंगे, समूह में नजर आएंगे, कुछ कुछ जगह पर ही ये नजर आएंगे, ठीक है। इससे ग्रसित जो पौधे होंगे उनमें पुष्प तो आते हैं, उनमें पुष्प तो नजर आएंगे, पुष्प होंगे बिल्कुल, लेकिन उनमें फलियां बहुत कम या नहीं लगेगी। मूंगफलियां जो हैं वो बहुत कम लगेगी, बहुत कम, और हो सकता है कि वो जो फलियां हैं वो आकार में छोटी हो जाए। तो पुष्प जरूर लगता है उस पौधे में, लेकिन फलियां या तो बहुत कम होगी या होगी नहीं, और अगर फलियां लगी भी है तो वो छोटे आकार की होंगी। कैसे? एक दाने वाली ज़्यादातर ऐसी फलियां उसमें नजर आएंगी। तो इससे सीधा सीधा सा जो है वो फसल पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि फलियां लग नहीं रही या फिर बहुत कम है या छोटे आकार की है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी फसल है उस फसल को लगभग 30 से 60% तक नुकसान हो जाता है। फसल जो है वो 30 से 60% तक इस रोग से प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो ये रोग के लक्षण हैं। पहली बात, ये रोग के लक्षण 30 से 35 दिन बाद नज़र आते हैं। ये गुच्छों में, समूह में नज़र आते हैं, जगह जगह खेत में, पूरे खेत में एक साथ नज़र नहीं आते। जो पौधे ग्रसित होंगे वो बौने होंगे, गहरे हरे रंग के होंगे और मुरझाए हुए से, सिकड़े हुए से नज़र आएंगे। नई पत्तियां जो अगर उनमें होंगी तो वो पीले रंग की वलय उस पे नजर आएगी। उसमें पुष्प तो लगेंगे लेकिन फलियां बहुत कम होगी या छोटे होगी या फिर लगेगी नहीं, और इसी वजह से फसल को लगभग 30 से 60% तक का नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ इसके लक्षण और चर्चा किए। नेक्स्ट, अब इसके बात करते हैं इस रोग से बचने के क्या तरीके हैं, कैसे हम हमारी फसल को, हमारी मूंगफली की फसल को इस रोग से बचाएं। तो इस रोग से बचाने के लिए, क्योंकि वायरस से होने वाला रोग है तो इसका बचाव तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम जो शस्य प्रबंधन है उसके द्वारा हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो हम बात कर रहे हैं इसके प्रबंधन की, कुछ कृषिगत जो हम एक्टिविटीज करते हैं, जो कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, उनके द्वारा कुछ इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं शस्य प्रबंधन। शस्य प्रबंधन, कल्चरल एक्टिविटी जो है, कल्चरल मैनेजमेंट। देखो, हम जब फसल बो रहे हैं तो उस फसल बोने के समय हमें क्या क्या कर सकते हैं उसके द्वारा ही इसका नियंत्रण कर सकते हैं। देखो, इसकी ये जो रोगजनक है, ये जो वायरस है, ये वायरस जो है वो बीज जनित और भूमि जनित भी होता है, या मृदा जनित जिसे कहते हैं, मृदा जनित, यानी कि यह या तो मृदा द्वारा फैलता है या बीज द्वारा फैलता है, ठीक है। जो पीलो मिर्चा जो कवक होता है वो बीज या मृदा द्वारा वो उस वायरस को वाहक के रूप में लेके आता है और पौधों में ट्रांसफर कर देता है। तो ऐसे में हम क्या क्या कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात, हमने देखा कि बीज जनित है तो हम क्या करें, सबसे पहले स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का प्रयोग, स्वस्थ व प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें, प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें, पहली चीज। दूसरी चीज, चूंकि ये मृदा जनित है तो हम खेत की बुआई करने पहले से जो खेत है उसकी गर्मियों में गहरी जुताई करें। दूसरी खास बात, गर्मियों में गहरी जुताई करें। तीसरी चीज, जब हमें खेत में अगर आपको पौधे नजर आ रहे हैं इस रोग से ग्रसित, जो अगर लक्षणों को आप देख के आपको लगता है कि पौधे में ये रोग है तो उस पौधे को उखाड़ कर जला देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो रोग ग्रस्त पौधा है, रोग ग्रस्त पौधों को नष्ट कर देना चाहिए, उन्हें उखाड़ कर, सुखा कर जला दे या गहरे गड्ढे में उनको गाड़ देना चाहिए। तो जो रोगग्रस्त पौधे हैं उन्हें उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। तीसरी चीज, यहाँ फसल चक्र अपनाना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, फसल
फसल चक्र अपनाने के लिए जब भी मूंगफली की फसल करें, मूंगफली की फसल के साथ सरसों या फिर गेंदा जो होता है इसको फसल चक्र के रूप में अगर लगाया जाए तो इस रोग का प्रबंधन संभव है। क्या करना है, सरसों, अगर आपने मूंगफली बोई उसके बाद में सरसों बो सकते हैं, या फिर गेंदा जो है मैरीगोल्ड जिसे कहते हैं उसका हम फसल चक्र के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी अगेती बुआई कर सकते हैं, मूंगफली की अगेती बुआई, अगेती बुआई करने से भी इसका नियंत्रण संभव है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है इसका कंट्रोल करने का, वो ये है कि जब भी ये फसल हम करें उस फसल के करने से लगभग 15 दिन पूर्व उस फसल में बाजरा बोना चाहिए। क्या चीज़, बाजरा बोना चाहिए। और उस बाजरे को जब 15 दिन का बाजरा हो जाए तो उसको हल द्वारा खेत में ही फैला देना चाहिए ताकि कवक जो है वो कवक इस बाजरे द्वारा ही नष्ट हो जाए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण और डिफरेंट अलग तरीके का नियंत्रण है। ठीक है, तो उस खेत में बाजरे की बुआई करके और उस बाजरे को, खड़े बाजरे को ही उस खेत में फैला देना चाहिए उसको वहीं। ठीक है, उसके द्वारा भी इसका नियंत्रण हो सकता है, हमारी जो मूंगफली की फसल है वो बच जाएगी, जो वायरस थे वो यहाँ बाजरे में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, आप ऐसे समझ सकते हो। तो इस तरह हम शस्य प्रबंधन कर सकते हैं इस रोग का। कैसे, स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें, गर्मियों में गहरी जुताई, रोगग्रस्त पौधों को नष्ट करें, फसल चक्र अपनाएं सरसों और गेंदे के साथ, अगेती बुआई करें। अगेती बुआई इसकी जो है वो मई में ही कर देनी चाहिए, मई माह में अगर इसकी हम बुआई करें तो संभव है इस रोग से बच सकते हैं। इसके अलावा 15 दिन पूर्व जो है उस खेत में बाजरा बोकर और खड़ी बाजरे की फसल पर ही हल चला दें, उसी में उसको पटके रखें, उसके बाद में मूंगफली का जो है वो बीज ओरना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ शस्य प्रबंधन। दूसरा हम प्रबंधन देखते हैं इसका, रासायनिक प्रबंधन, केमिकल मैनेजमेंट। क्योंकि वायरस जो है उसका मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है, वायरस को आप किसी तरह के रसायनों द्वारा नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको जो फैलाने वाला जो वाहक है वो है कवक। क्या है, पीलोमिक्सा कवक। तो आप अगर उस वाहक का नियंत्रण कर लें तो इस वायरस का भी नियंत्रण संभव है। ठीक है, पीलोमिक्सा जो कवक है अगर हम उसका नियंत्रण कर लें तो संभव है इस रोग से भी हमारी फसल बच सकती है। तो इसके लिए क्या करें, उस कवक का नियंत्रण करें, कवक के नियंत्रण के लिए कवक नाशी का प्रयोग करें। और हमने पिछले जो वीडियोस थे, जो पिछले जो हमने रोग पढ़े उनमें ये चीज़ें हमने देखी है कि कवक नाशी जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है वो है कार्बेंडाजिम। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कवक नाशी है, इसका प्रयोग करके हम हमारी फसल को बचा सकते हैं उस रोग से। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आज हमने मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग पढ़ा, जिसमें हमने उसके जो रोग जनक है वो क्या है, कहाँ इसका ज़्यादा प्रकोप होता है, उसके जो वायरस है उसके बारे में पढ़ा है, इसके मुख्य मुख्य लक्षण देखे, और साथ में हम इस कैसे कैसे इसको नियंत्रित कर सकते हैं वो हमने देखा। इसी तरह जुड़े रहें biology.com चैनल के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।